अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज मैं एक गाड़ी देखने आया था ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, तो सोचा आपको भी दिखा दूं गाड़ी के फीचर्स और गाड़ी किस तरह की है, कौन सी गाड़ी है, आपके साथ भी शेयर करता हूं। तो देखते रहें मेरी वीडियो। बाइक इस्लामाबाद मोटर्स, और यहाँ पर हम गाड़ी देखने के लिए आए थे, तो अंदर चल के देखते हैं कि गाड़ी किस तरह की है और कौन सी गाड़ी है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये दो कलर्स में, एक ब्लैक है और एक वाइट है। वैसे तो मैं ट्रेवल व्लॉगर हूँ, मैं टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, टूरिज्म के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। तो आज एक यूनिक चीज़ मैंने इस्लामाबाद में देखी। हम देखने आए थे गाड़ी, तो आपको भी इसका व्यू करवा देते हैं, आप भी देखें, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। गाड़ी ज़बरदस्त है, गाड़ी का नाम जो है वो बाइक है। ये असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में असेंबल्ड की जाती है। तो इस गाड़ी के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद मेरे एक भाई हैं, सदीक भाई, हम उनसे लेते हैं, तो वो आपको बताएँगे इस गाड़ी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इसके फीचर्स के बारे में बताएँगे और इसके बाकी जो जो चीज़ें गाड़ी की, तो वो सदीक भाई आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी देखने आए थे तो? अच्छा, तो सदीक भाई हम आए थे गाड़ी देखने के लिए, तो आप ज़रा हमें बताएं ये गाड़ी किस कंपनी की है और कौन सी कंपनी है और कहाँ पे ये असेंबल्ड हुई है, इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, फिर इसके फीचर्स भी देखते हैं आपके साथ। हाँ जी नवीन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, गाड़ी बेसिकली जो है चाइनीज़ कंपनी है। बैक मीन स्टैंड फॉर बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, चाइना की आप कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है ऑटोमोबाइल्स का। बाइक जो है ये, और इसकी जो गाड़ी का वेरिएंट का नाम है ये BJ40+ है। अच्छा, बेसिकली कंपनी जो है चाइनीज़ है, लेकिन ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये सारी जो है लोकल असेंबल्ड है, पाकिस्तान असेंबल्ड है, ये पाकिस्तान में असेंबल्ड हो। इंटीरियर एक्सटीरियर चल के सारी चीज़ें और फीचर्स वगैरह आपको बता देते हैं, सारी चीज़ें इसमें जो भी हैं, इसमें इसके फीचर्स क्या है, प्लस ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बेसिकली ये आप कह दें कि एक ऑफ रोड टाइप गाड़ी भी है, उस तरह कम्प्लीटली ऑफ रोड भी है, और अपनी लाइन में सिंगल गाड़ी है इस कैटेगरी की जो लोकल असेंबल्ड हो रही है, और एक जीप की कैटेगरी में और पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रही है। कम्प्लीटली ऑफ रोड भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली भी इसे आप यूज़ कर ही सकते हैं, तो कम्प्लीटली ऑफ रोड भी है अपनी लाइन में ये गाड़ी जो है। ये गाड़ी के टायर हैं, टायर कौन से सदीक भाई, टायर के बारे में बताएं मुझे। यानी इसमें जो है ना कॉपर का टायर है, जो अमेरिकन टायर है रेंगुलर वगैरह में आते हैं, रफ एंड टफ टायर है, 17 इंच अलॉय है। अच्छा, लेकिन इसकी ओवरऑल प्रोफाइल जो है टायर की काफी बड़ी है, आप देखिए इधर टायर काफी अच्छी क्वालिटी में लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके साइड में ये फुट रेल काफी पायदार है और बड़े मजे की है, इसके ऊपर ये कौन से, ये क्या चीज़ है, एंटी स्किड यानी स्लिपरी वगैरह, स्लिप होने से बचने के लिए ये लेदर के लगे हुए, ये स्लिप होने से बचने के लिए फ्रिक्शन को कम करते हैं ये। अच्छा, ये अभी बानेट के बारे में आपको बताते हैं सदीक भाई, बानेट खोल के दिखाएं। जी ये देखिए, ये 2.0 टर्बोचार्ज इसका इंजन है। अच्छा, फोर सिलेंडर इन लाइन, जो इंजन टेक्नोलॉजी है इसमें TGDI है, जो यूज हुई इंजन टेक्नोलॉजी इसमें। हम नीचे देखेंगे तो नीचे इसमें फ्रंट बॉक्स है, इसमें ठीक हो गया। इसी के साथ इसकी जो है DRL आ जाते हैं, ये DRL है इसके, और सेंटर में इसकी जो है फॉग लैंप आ गए, ठीक हो गया। इस ऊपर में आ जाए हेडलाइट्स, जो है इसकी हेलोजन लगी हुई है, लेकिन इसमें ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का भी, जो है कंपनी के पास LED भी आ चुकी है, अगर कोई क्लाइंट जो है रिप्लेस करवाना चाहे या अपने वो लाइट्स वगैरह हेडलाइट्स गाड़ी की, तो वो करवा सकते हैं कंपनी की जो है ऑथराइज वर्कशॉप से। अच्छा, अगर आप इसके रेयर पे आ जाएं तो देखिए रेयर हुक्स भी हैं इसके, इसमें रेयर, इसमें सेंसर है और इसमें बैक कैमरा भी दिए हुए है। इसके अलावा ये इसके फॉग लैंप, एज अ फॉग लैंप वर्क चल, ये वर्क करते हैं, जस्ट डेकोरेशन दीजिए, क्योंकि ब्रेक लिप आप देखें ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके ब्रेक लिप मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगा वीडियो में। कि इसके अलावा अगर आप इसमें आप ट्रंक स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रंक स्पेस है इसमें,
काफ़ी ज़्यादा। और इसकी जो है रेयर सीट्स भी ना फोल्ड हो जाती है गाड़ी की, अगर आप के पास लगेज ज़्यादा है, आप ट्रक स्पेस गाड़ी की बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना इसकी सीट्स फोल्ड कर सकते हैं फ्रंट की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके टॉप की बात करें तो इसका हार्ड टॉप दिया हुआ है ब्लैक कलर में, आप देखें ये इसका टॉप सारा जो है ये रिमूव हो जाता है मैनुअली, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, टॉप इसका सारे का सारा रिमूव ये हो एरिया जाता जो है। है ये सारा इसके अलावा इसके चारों के चारों डोर जो हैं ये रिमूवेबल हैं। बेसिकली ये फुली कन्वर्टेबल गाड़ी है, इसकी प्लस फ्रंट स्क्रीन भी फोल्ड हो जाती है, टॉप इसका ब्लैक पूरा पूरा जो है आप इसको रिमूव कर सकते हैं, विंड स्क्रीन इसकी फोल्ड हो जाती है। ये इसकी एंट्रेंस है इंटीरियर। स्टिक भाई दिखाएंगे हमें इंटीरियर के बारे में। अच्छा, जैसे ही हम गाड़ी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये इसमें सीट देखें तो फैब्रिक्स में दी हुई, फैब्रिक में, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टफ़ है ये फैब्रिक में, आप कह दें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है सीट इसकी, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, हार्ड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम गाड़ी में अगर अंदर इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी आप कह दें बहुत ही एग्रेसिव लुक दे रहे हैं इसका इंटीरियर, बहुत ही प्यारी आप कह दें इसकी लुक है, रेड कलर में हम आपको दिखा रहे हैं अभी जो है। इसमें जो है इंटीरियर में कलर ऑप्शन है, इसमें तीन है इंटीरियर, इसमें ये जो आपके सामने है ये रेड ब्लैक है, इसमें ब्लू ब्लैक है और एक ऑल ब्लैक है, तीन ऑप्शन है इंटीरियर में इसके। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे नीचे तो ये इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल है, इसकी जैसे आपको इन्फोटेन जो इसमें दी हुआ है इसका सारा कंट्रोल है यहाँ पे आपके। ठीक हो गया। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो कप होल्डर वगैरह इसके दिए हुए हैं, और इसमें माइनर सा ना एम्बियंट लाइट्स का भी इस गाड़ी में उन्होंने यूज़ किए हैं, जो आप कह दें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक देते हैं, बड़ा ही प्यारा है लग रहा है, बहुत ज़्यादा आवर नहीं किया हुआ इसको आप कह दें। सामने देखें थोड़ा सा इस तरफ भी एम्बियंट लाइट्स इधर भी यूज़ हुई है, इसके डोर्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी माइनर सा यूज़ किया हुआ है उन्होंने एम्बियंट लाइट्स का भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर है इसका, इसके भी एक दो थीम है, ये भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप इसकी स्टेयरिंग में आ जाए तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया है सबने आपके, ये क्रूज़ कंट्रोल है इसमें। ठीक है, बाकी ये आपकी मल्टी मीडिया में कंट्रोल कुछ इधर भी दिए हुए हैं, आपके स्टेयरिंग में भी राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है इसमें। अच्छा, इसके अलावा अगर लीवर की बात करें, इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है, प्लस इसमें ट्रिप्टोनिक भी है, और आपको मैं इसकी रेयर कैमरे की क्वालिटी भी ज़रा चेक करवा देता हूँ, देखिएगा सामने आपके रियर कैमरा भी इसका ऑन हो गया, इसमें दो तीन ऑप्शन है, आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सारी सेटिंग इसकी कर सकते हैं आप। ये आपके सामने गाड़ी का पुश स्टार्ट है, इंजन यहाँ से गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे, ब्रेक प्रेस करके फुट ब्रेक। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके साथ दी हुई हैं, इसमें जो है ड्राइविंग जो है ना इसके मोड्स है, स्पोर्ट्स मोड आ गया, स्नो मोड आ गया। इसके अलावा इसी के साथ ही आपको जो है इसकी 4 व्हील की सारी जो है ना इसमें दी हुई है, सारी 2H 4H 4L ये सारी आपको दी हुई है, यहाँ से आप इस नॉब को रोटेट करेंगे राइट हैंड में, ये 4L में एंगेज हो जाएगी गाड़ी, नॉर्मली जो है ना 2H पे ही इसे आप ड्राइव करेंगे आप। अच्छा, इसका टॉप जो है ना बेसिकली रिमूवेबल है, वो तीन पैनल में रिमूव होता है, तीन आपके फ्रंट के दो पैनल है, एक ये आ गया, एक ये आपके साथ ये सामने देखिए एक ये पैनल आ गया, और एक पीछे का जो है इसका बैक पैनल है। ठीक है, तीन पैनल है इसके, तो ये इसकी सारे लॉक्स वगैरह ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये लॉक्स हैं इसके, इस साइड पे ये लॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप लॉक्स को रिमूव करेंगे, देन आपको ऊपर की तरफ से जो है पुश करेंगे तो ये आपका टॉप जो है ना सारा सारा रिमूव हो जाएगा फ्रंट वाला, सेम यही है बैक वगैरह भी, कुछ थोड़े से वगैरह नट बोल्ट लगे हुए हैं वो उसको आप करेंगे तो जो आपका बैक पैनल है वो भी रिमूव हो जाएगा गाड़ी का। अच्छा, इसके अलावा अगर आप रेयर सीट्स की इसमें स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पेस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसकी रेयर सीट्स। ठीक है, ये देखिएगा, बैठ, ये देखिए मेरे पास आप स्पेस देखें, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, मेरे पास बीवी जो है मेरे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इसकी जो सीट है ना ये मैक्सिमम है बैक पे, तो आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें जो है। बाकी सीट्स का जो है इसका टॉप जो है ना आप इसे जो है फोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं इसके टॉप को अपने हिसाब से, इसको टॉप को आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं सीट के टॉप को फ्रंट की तरफ या बैक की तरफ आप इसे किसी पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते हैं।
फिर आप देखिएगा तो इसमें रोल बार दी हुई है, ये थ्रू आउट फ्रंट तक पूरी गाड़ी को कवर कर रही है और सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी सॉलिड दी हुई है ये जो। अच्छा जी, ओवरऑल गाड़ी को मैं हमने देख लिया, इसका इंटीरियर भी देख लिया और एक्सटीरियर भी देख लिया, तो गाड़ी इंटीरियर के हवाले से देखें तो वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त में इसमें फीचर्स हैं, फीचर पीस दी गई हैं, आपको सारे बता दिए हैं, और इसका इंटीरियर भी हमने बहुत ज़बरदस्त देखा, काफ़ी मज़े का है। तो मैंने एक इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली है, ड्राइविंग के हवाले से बताऊं तो ड्राइविंग भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, स्मूथ है और रोड पे इसकी ग्रिप अच्छी है। तो बाकी इन एक्सटीरियर में भी काफ़ी ज़बरदस्त है, एग्रेसिव लुक दे रही है। तो बाकी अगर इस गाड़ी के हवाले से मज़ीद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना हो तो सदीक भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और इस वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा इनका नंबर, तो आप इनसे कांटेक्ट करके गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और मज़ीद गाइडलाइन भी ले सकते हैं, जो भी बुकिंग के हवाले से, प्राइस के हवाले से, प्राइस जो मार्केट के हिसाब से इसकी रेवोल्यूशन होती रहती है अप डाउन, तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन हो सदीक भाई से आप ले सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।